आंत हमारे शरीर का कितना सेंसिटिव पार्ट होता है ये तो आप सभी बखूबी जानते ही होंगे, लेकिन अगर आंत से जुड़ी कोई भी समस्या हमें हो जाए तो फिर हमारा जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। इसके अलावा अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी आपके लिए जानलेवा बन सकती है। दरअसल आंत में प्रॉब्लम होने की वजह से खाए हुए खाने का ना पचना और खाते ही उल्टी हो जाना आंत की बीमारी के अहम सिम्टम्स होते हैं। आंत से जुड़ी इस बीमारी से बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। इस घरेलू उपचार में सबसे पहले नाम आता है चने के आटे की बनी रोटियों का। जी हाँ, आप गेहूं की रोटियों की बजाय चने की रोटियां खा सकते हैं। ये रोटियां आंत की बीमारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चने का आटा आंत की बीमारी ही नहीं बल्कि डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी से भी छुटकारा दे देती है। इसका रोजाना सेवन आपको पौष्टिक आहार देता है, डायबिटीज से लड़ने में आपकी मदद करता है। इस आटे से बनी रोटियों में खास बात यह है कि ये सिर्फ डायबिटीज और आंत की बीमारी से ही नहीं लेकिन कई और बड़ी बीमारियों से लड़ने में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें गेहूँ बाजरा जैसे अनाजों से एलर्जी होती है, वो इसको न खाकर चने से बनी रोटियाँ खा सकते हैं। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद तो होगी, साथ ही ये इस रोटी का सेवन कर पौष्टिक आहार और पोषण पा सकते हैं। इक्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।